अगर आप मौला जट बॉलीवुड के लिए लिखते हैं तो आप मौला का और नूरी का कैरेक्टर किसके लिए लिखते? वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। नासिर साहब, सरवर भट्टी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि सारे का सारा क्रेडिट जो है ना स्क्रिप्ट का, वो तो है मेरा और आपको रखा गया था इमला के लिए। सर आज इस राज से पर्दा उठा दे सर, हकीकत क्या बताइए सर। आप कभी ऐसा करें कि एक शो अरेंज करें जिसमें मैं भी हूँ, सरवर भट्टी भी हो और आप लोग भी हो। वाह, और फिर ये सवाल उठाया और यहाँ पूरा प्रेस हो, फिर बंदा उन्होंने सामने बा के पूछे कि भट्टी साहब लोक के फिरौन की तरह माफिया क्यों मांगते हैं। सर वैसे उनके पास जो कहानी थी वो क्या थी? उनके पास कहानी नहीं थी। अच्छा। उनके पास दो तीन सीन थे जो वो लेकर आए थे। अच्छा। और उस सीनों को उन्होंने नाम रखा हुआ था बग्गा भट्टी। ओके। मैंने जब उसको लिखा तो फिर मैंने जहाँ वैशी जड़ ख़त्म की थी वहाँ मैंने उसको शुरू किया और दो करदार जो उनके थे, जो वो दो सीन जो तीन थे उसमें एक नूरी नथ था। अच्छा। उसमें दारो नथनी थी और मखा था। ओके। अगर आपने मेरी वैशी जड़ देखी हो ना तो उसमें जो गजाला ने रोल किया था ना वही दारो नथनी थी। ओके ओके। तो मैंने उनको इजाफा करके तो हीरो का नाम मौला जट रखा, दानी को एंटर किया, बालागाड़ी को एंटर किया और वो सारा करदार और वो मौला जट बन गई। और नासिरदीप के लिए है कि मौला जट के बाद मुझे जो उन्होंने मिठाई का एक डड्डू तक नहीं भेजा कि मेरे अल्लाह ताला ने मौला जट में इतनी इज्जत दी। फिर मेरा एक जुमला था नवा है सोने जी, ऑफ कोर्स सर, वो मुस्तफा कुरेश साहब ने किसी एड में बोला, वहाँ से 50,000 रुपये उन्होंने लिए तो उन्होंने 1,000 मुझे नहीं दिया कि यार ये आपकी तखलीक थी और मुझे इससे पैसे मिले। फिर मौला जट के टाइटल को जब झगड़ा हुआ और वो पार्टी फंस गई और उन्होंने फंसा लिया और वहाँ से इन्होंने 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ पत्नी कितने पैसे लिए, तो वो मौला जट का टाइटल तो मेरा था जाहिर है, लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। सर ये बात तो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि बग्गा भट्टी जब वो लेकर आए सरवर भट्टी साहब आपके पास, आप तो उससे बहुत पहले वैशी जट में ये सारे किरदार भी मुतारिफ करवा चुके थे और जो मौला जट थी वो उसका एक सीक्वल थी, उसकी बढ़त थी वो जी, मौला जट था हीरो वैशी जट में था। बिल्कुल एग्जैक्टली यस जी। तो तुसी यानी अपना मौला जट ले आ गए थे, उन्होंने भट्टी स्वाद था। भट्टी स्वाद था। मुझे ये खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे दरिया बनाया है जिसमें से लोग पानी पीते हैं और उसमें दरिया में से सबसे ज्यादा पानी जो पिया है वो सरवर भट्टी ने पिया है। अच्छा मोहसिन, जेड़ी फिल्म सी ना बग्गा भट्टी ओदा गाना सी ना वो बिल्लो बग्गे भट्टियां दा की करेंगे। तू मुड़ जा कितने। नासिर साहब आप एक और फिल्म लिखिए, बग्गा भट्टी खंबा नोची। और बैठ वेख के दूरों सोचे। अच्छा नासिर साहब आप बताइएगा कि अगर आप मौला जट बॉलीवुड के लिए लिखते हैं तो आप मौला का और नूरी का कैरेक्टर किसके लिए लिखते? नूरी का कैरेक्टर तो मैं गब्बर सिंह के लिए लिखता। नाइस, ग्रेट। और मौला जट का जो रोल है वो मैं धर्मेंद्र के लिए लिखता। सर ये वैशी जट और मौला जट के बाद एक और फिल्म बनी थी जट इन लंदन जी, तो सर ये जो जट साहब थे ये लंदन इलाज करवाने गए थे सर? लंदन इलाज करवाने नहीं गए थे क्योंकि अगर वो इलाज करवाने जाते तो मेरा करदार उन लोगों से मिल जाता जो अक्सर यहाँ से इलाज करवाते जो लौटते नहीं सर। फिर मेरा तो इलाज करने गया था। ये बात। आप तो लंदन चला गया, पिछो मौले जट की पार्टी तबाह हो गई। ओदी पार्टी मौले जट ने नहीं, ओदे छोटे भरा होले जट ने तबाह की।